कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने झोने की खरीद और होर मुद्दों को लैके प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। कैबिनेट मंत्री ने मीडिया सामने झोने की खरीद और लिफ्टिंग संबंधी मुकम्मल वेरवे पेश किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार ते नीति तहत किसानों परेशान करन दा दोष भी लगाया और विरोधी पार्टियां नू सियासी लाहे लई मुश्किल खड़ियां करन वाला दस्या है। मंत्री लालचंद कटारू चक ने दस्या कि पंजाब नू केंद्रीय पूल विच्चों 185 लाख मैट्रिक टन झोने की पैदावार का टीचा मिलया है, जिस विच्चों 125 लाख मैट्रिक टन चौलों की पैदावार की जाएगी। इसलिए पंजाब सरकार ने कुल 190 लाख मैट्रिक टन का प्रबंध किया है। उन्होंने कहा कि यह तीजा सीजन है जिस विच पंजाब की भगवंत मान सरकार वालों खरीद की जा रही है। कैबिनेट मंत्री कटारू चक ने कहा कि यह सीजन सब तो चुनौतीपूर्ण रहा है। इस बार मंडी के नाते सियासी रोटियां सेकियां गई, पर इस दौरान साढ़े अफसर समेत सारे ने अपना काम जारी रखा है। इस बार बहुत साजिश रची गई, किसान कई सियासी लोगों की इस साजिश को समझ चुके हैं, पछाण चुके हैं, उन्होंने इस विच कामयाब नहीं होने दिता गया। इस ही झोने की खरीद संबंधी बोलदिया कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हुण तक 111 लाख मैट्रिक टन झोना मंडिया विच पहुँच चुका है, जिस विचों हुण तक 105 मैट्रिक टन झोना खरीदया जा चुका है। इस दे नाल ही किसानों 22,047 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है, जो उनके खात्यां विच जमा हो चुकी है। पंजाब विच झोने की लिफ्टिंग बारे बोलदिया कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब विच कुल 5,086 मिलां ने, जिन्हां विचों 4,792 मिलां ने झोना चुकन लई अपलाई कीता सी, जिन्हां विचों 4,579 मिलां नूं अलॉट कर दिता गया है। इन्हां विचों 4,439 मिलां लिफ्टिंग दा काम कर रहियां ने। कुल तक कल तक सब सूबे भर में 6,18,000 मैट्रिक टन की लिफ्टिंग की जा चुकी है, जो कि कुल आमद का 62% है। अगले 4 से 5 दिनों में किसानों तो झोना खरीदया जाएगा।